देशभक्त न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, गोहाना के सोनीपत रोड की तस्वीरें हैं, जहां पर उपमंडल कार्यालय में वार्ड नंबर 11 से आजाद उम्मीदवार के तौर पर पूर्व पार्षद वेद मेहता की पुत्र वधू कंचन मेहता ने अपना नामांकन दाखिल किया है और उन्होंने वार्ड में किए जाने वाले चुम्र विकास के लिए उन्होंने वादा किया है और उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में जो कमियां रह गई थी उनको पूरा किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में हम जो है कुछ एक्सपीरियंस कम था, उसका चलते हम जो है चुनाव को जो है लूज कर गए थे, लेकिन जो एक्सपीरियंस हमें मिला था उसको अब इस चुनाव में बुनाया जाएगा। और उन्होंने कहा कि बहन बेटियों के लिए जो है हम सीसीटीवी जो है पूरे वार्ड में लगाने का काम किया जाएगा। सीवरेज की बात है, पीने के पानी की बात है, रोड बनवाने की बात है, जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उनको पूरा किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि बुढ़ापा पेंशन की बात है, विधवा पेंशन की बात है, इस तरह की जितनी भी समस्याएं लोगों के सामने आती है उनको पूरा कराया जाएगा। और उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा पीछे भी बहुत सारे काम, मेरे जो ससुर हैं उनके कार्यकाल में भी बहुत सारे काम हमारे द्वारा कराया गया था और पिछली बार जो है हमने काफ़ी एक्सपीरियंस जो है लोगों से लिया है और अब की बार जो है चुनाव जीत कर जो है हम लोगों की सेवा करेंगे। और उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा काफ़ी काम जो है विपक्ष में रहकर भी लोगों की सेवा की गई। और सुनिए कंचन मेहता ने लोगों के किए गए वादे के बारे में क्या कहा। तो क्या कहना चाहोगे, आज नॉमिनेशन बना है, पिछली बार भी आपने इलेक्शन फाइट किया था, हाँ जी, अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप इलेक्शन फाइट करने के लिए? जी अब पीछे जो हमने फाइट किया था तो उससे काफी एक्सपीरियंस लिया है हमने, तो इस बार हम उसमें बेटर करना चाहेंगे। तो आप महिला हैं, महिलाओं के लिए क्या क्या काम? महिला के लिए हम महिला सुरक्षा के लिए पहले वार्ड में हम कैमरे की व्यवस्था करवाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को सुरक्षा मिल सके। इसके अलावा जो वार्डवासी हैं उनके लिए क्या जो काम है वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से आगे करने वाले? जी हम पेंशन के लिए, हम लोगों की पेंशन, जिनकी पेंशन नहीं बनी उनके घर घर जाकर पेंशन बनवाएंगे। सड़कों की जो कि हालत बहुत ख़राब है उसे इम्प्रूव करने का पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा कौन कौन से मुद्दे पर इलेक्शन करना चाहेंगे, कौन क्या क्या मुद्दे लेकर आप जनता तक जाएंगे? पहले तो मेरी मेन मुद्दा तो मेरा महिला सुरक्षा को लेकर है कि महिला सुरक्षा के लिए वो इसमें काम किया जाएगा। पेंशन और पेंशन लोगों की, जैसे पेंशन बनवाई जाएगी, गलियां नालियों की व्यवस्था की जाएगी प्रॉपर, तो पीने के पानी के लिए व्यवस्था की जाएगी।